दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 5 सबसे भयानक गड्ढे और रहस्यमय गड्ढों के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, डोर टू हेल। दोस्तों आपको बता दें कि जब गांव वालों ने इस गड्ढे को देखा तो इसमें आग नहीं लगी हुई थी, लेकिन साइंटिस्ट ने इस साफ और सुंदर गड्ढा बनाने के लिए इसमें आग लगाया तो आज तक इसमें से आग बुझा ही नहीं पाई और लोग इस अमेजिंग गड्ढे को देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से आया करते हैं। नंबर 4, शहरी शहरी ने माँ। दोस्तों आपको बता दें कि वेनेजुएला का सबसे रहस्यमय गड्ढा है। दोस्तों आपको बता दें कि ये जंगल के बीच में गड्ढा है और इसके अंदर का वातावरण कुछ अलग ही है और काफ़ी अमेजिंग भी है। आपको यहाँ बहुत से जंगली जानवर भी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर लोग जाना नहीं चाहते, उन लोगों का कहना है कि इसके अगल बगल पहाड़ों पर इंसान को जिंदा खाने वाले लोग रहा करते हैं। नंबर 3, मीमाह सिखोल। अनोम में जब इस गड्ढे को खोजा गया तो लोग इसे देखकर चौंक गए क्योंकि इसका रंग नीला और पानी काफी साफ था। इसके बाद से लोग यहाँ आया करते हैं। कुछ लोग इस रात समय गड्ढे को भी देखना पसंद करते हैं और यहाँ मस्ती किया करते हैं। आपको बता दें कि इस गड्ढे को दुनिया का सबसे सुंदर गड्ढा भी कहा जाता है। नंबर 2, डियन ब्लू होल। इस जगह पर बहुत सारे गड्ढे हैं, लेकिन यह गड्ढा काफी रहस्यमय गड्ढा है। आपको बता दें कि यह गड्ढा अमस के आइसलैंड में स्थित है। दोस्तों लोगों का कहना है कि अब 15,000 साल पुराना गड्ढा है और जब लोग इसमें जाते हैं तो 32 मीटर तक अंदर जा सकते हैं और यहाँ लोग मस्ती करने भी आया करते हैं। नंबर 1, गोटमाला सिटी। 2007 में इस सिटी में अचानक कुछ बहुत तेज आवाज़ें आने लगी, लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा था कि आवाज़ आ कहाँ से आ रही है। अचानक उस सिटी में एक बड़ा सा गड्ढा हो गया, सभी लोग हैरान हो गए। दोस्तों गड्ढे के होने के कारण 2 लोगों की जाने चली गई थी और बहुत से लोगों को घर खाली करने पड़े थे, लेकिन आपको बता दें कि इस गड्ढे के होने के कारण अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस गड्ढे में कोई शैतान बाहर आ रहा था।